आपको तो पता है इनका प्रसाद बिना तुलसी के पूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 7 तुलसी ली हुई है। ये आप तुलसी को तोड़े तो आपको नाखूनों का यूज़ नहीं करना है, तुलसी को हमेशा हाथों के से ही ऐसे तोड़ना है। देखा आपने कितना अच्छा बना हुआ है गाइस। आप ये अब कान्हा को भोग लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए आप भी अपनी जन्माष्टमी पे इस तरह बनाइए, और जिस तरह से मैंने बताया अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये एकदम परफेक्ट बनेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनमन की रसोई, और आप सब कैसे हैं? राधे राधे गाइस। जन्माष्टमी आते ही बस मुँह पे राधे ही राधे रहता है, और आज हम कृष्ण की प्रिय पंजीरी बनाएंगे। तो जन्माष्टमी पे हम सब के घर में बनाई जाती है धनिया की पंजीरी। जी हाँ गाइस, ये मुख्य तौर से जन्माष्टमी पे ही बनाई जाती है, क्योंकि इसके बिना प्रसाद पूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए आज हम जन्माष्टमी के लिए धनिया की पंजीरी बनाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जन्माष्टमी पे धनिया की ही पंजीरी क्यों बनाई जाती है, आटे की और किसी चीज़ की पंजीरी क्यों नहीं बनाई जाती है। तो चलिए आइए बना लेते हैं धनिया की पंजीरी। जन्माष्टमी स्पेशल धनिया की पंजीरी बनाने जा रहे हैं। तो धनिया की पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे, और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। यहाँ पे मैंने 1 पाउल मखाना लिया है, ये इसको आधा आधा ऐसे कट कर दिए हैं, और मखाने का पंजीरी में बहुत अच्छा स्वाद आता है। मखाने को इसमें डाल देते हैं घी में, और इसको रोस्ट होने देंगे अच्छे से। और ये देखिए मखाना बहुत अच्छे से यहाँ भुन चुका है, तो इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। मखाने बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, और ये देखिए देख रहे हैं आप, एक चम्मच फिर से घी डाल देते हैं। ऑलमंड 15 ऑलमंड लिए हैं, और इसको कट कर लिया है। मैं काजू भी डाल दूंगी, ये 20 से 25 काजू हैं, और दोनों को एक साथ ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रही थी धनिया की पंजीरी क्यों, क्योंकि ये सीज़न बरसात का होता है, तो बरसात के सीज़न में वात कफ बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, और जन्माष्टमी पे हम पूरे टाइम व्रत रहते हैं। ये भी अच्छे से रोस्ट हो गया है, आइए इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए एकदम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, और आधा टेबल स्पून घी डाल देंगे, और यहाँ पे मैंने 15 से 20 किशमिश ली हुई है, इसको भी डाल उसको डाल के इसको भी फ्राई कर लेंगे। और ये किशमिश भी ड्राई रोस्ट हो गई है, आइए इसको भी निकाल लेते हैं। आधा टेबल स्पून और देसी मगज का बीज लिया हुआ है, 2 टेबल स्पून, और इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। ये चटकना स्टार्ट हो गया है, ये देखिए सारा भुन गया है बहुत अच्छी तरह से, और फ्लेम को एकदम लो किए रहिएगा, अदरवाइज ये जल भी सकता है। आप इसके चटकने की आवाज़ सुन रहे होंगे, और ये अच्छा पिंक हो गया है, इसको भी हम निकाल लेंगे। एक कटोरी नारियल लिया हुआ है, इसको डाल देंगे, और इसको भी थोड़ा भून लेंगे। नारियल से पंजीरी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं अगर आटे की पंजीरी से हम व्रत तोड़ते हैं तो हमें उसको पचाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, पेट में गैस भी बन सकती है, बट हमें धनिया की पंजीरी से ही व्रत तोड़ना चाहिए, क्योंकि धनिया बहुत ही फायदेमंद होती है, और इसको जब हम इस धनिया की पंजीरी से जब व्रत को खोलते हैं तो हमें इसको पचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और ये बहुत आसानी से पच जाती है। ये धनिया की पंजीरी से हमें व्रत खोलने के लिए कहा गया है। धनिया हमारी आँखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, आँखों की रोशनी को भी ये बढ़ाती है। आप जन्माष्टमी पे ही नहीं, इसको आप बना के रख सकते हैं, और इसको आप खाते रहें, ये बहुत फ़ायदा करती है। गठिया का जिनको रोग होता है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और आप देखिए बातों बातों में नारियल बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं। गाइस आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं,
कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो जो ड्राई फ्रूट इसमें लिया हुआ है आप भी वही लें। टू टेबल स्पून अब घी डाल देंगे पंजीरी में, घी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने एक बाउल धनिया ली हुई है, इसको मैंने सूखी धनिया लिए थे, सूखी धनिया को मार्केट से लाने के बाद अच्छी तरह से धूप में सुखा के उसके बाद मैंने इसको पीस लिया है। और अगर धूप में अगर धूप ना हो रही हो तो कोई बात नहीं है, आप इसको ऐसे भी साफ क्लॉथ से साफ करके पीस लीजिएगा। और इसमें हम धनिया को डाल देंगे। धनिया की पंजीरी खाने में भी बहुत अच्छी होती है, स्वास्थ्यवर्धक तो है ही है। और इसको घी में ही हम ड्राई रोस्ट करेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है गाइस धनिया का। और इतने सारे जो हमने ड्राई फ्रूट डाले हुए हैं इसमें, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो चलिए अब इसको अच्छे से भून लेते हैं। इनको एकदम लो रखिएगा जिससे धनिया जलने ना पाए। जो पिसी हुई धनिया आती है उसका यूज़ मत करिएगा क्योंकि उससे टेस्ट भी अच्छा नहीं आता, और हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि वो साफ़ है या नहीं। जन्माष्टमी पर कन्हैया को भोग लगाने के लिए हम ये प्रसाद बना रहे हैं, तो स्वच्छ और साफ होना चाहिए। और कान्हा के लिए प्रसाद जब हम घर में बनाते हैं तो हमारे मन में भी ये, और हम बहुत श्रद्धा से भक्ति से कोई भी चीज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए इसको अब भून लेते हैं। और अब हल्की हल्की सी महक आ रही है इसमें, बहुत अच्छी सी। जब हम डालते हैं तो ये लाइट होती है और भूनते भूनते ये थोड़ी सी ब्राउन होने लगती है। बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है जो ये बता रही है कि धनिया हमारी बहुत अच्छे से अब भून चुकी है। तो आइए अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। ये अपनी भुनी हुई डाल देंगे इसी में। एक चम्मच मैंने इलायची पाउडर लिया हुआ है, ठंडा हो गया है। अब इसी में हम यहाँ पे ये मैंने तगाड़ बनाया है घर में, मैं उसको ही यूज़ कर रही हूँ। आप अगर पिसी हुई चीनी भी यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, मगर तगाड़ से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर अभी आता है और ये बहुत अच्छी लगती भी है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि आप तगाड़ का ही यूज़ करें, और मैं आपके सामने बहुत जल्दी तगाड़ की भी रेसिपी लेकर आऊँगी। एक बाउल धनिया लिया हुआ था तो यहाँ पर मैंने आधे बाउल से थोड़ा सा ज़्यादा तगाड़ का यूज़ किया हुआ है। पंजीरी हमारी बनके रेडी है, और इसको आज हम कांच के बाउल में नहीं निकालेंगे क्योंकि प्रसाद हमेशा स्टील के बाउल में, या मैं इसको आज आपको सर्व करके दिखा रही हूँ चांदी की कटोरी में। भोग हमेशा इसी में लगाती हूँ, बस प्रसाद के लिए बर्तन का यूज़ करिएगा। वो ध्यान रखिएगा कि वो जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब उसको हम रेगुलर वे में यूज़ ना करते हो। तो देखा गाइस आपने धनिया की पंजीरी बनाना कितना आसान है, और ये फटाफट से बनके रेडी हो जाती है। इसमें जो आप ड्राई फ्रूट यूज़ करेंगे तो आप अपनी इच्छा अनुसार यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो ड्राई फ्रूट आप इसमें डालिए, बहुत अच्छी लगती है। मखाने लेकिन ज़रूर डालिएगा, मखाने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल पर जाके तुरंत मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।